हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हे ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स यार, सब्सक्राइबर्स तो नजर ही नहीं आ रहे। देखूं दोबारा एक बार। हाँ यार, यार सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे तुम लोग। सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो। अगर आपको बालों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, हे ट्रांसप्लांट के बारे में लेनी है, सही इन्फॉर्मेशन लेनी है, सच्ची इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सब्सक्राइब करो। देखूं अब। हाँ, एक दो आ गए। और आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर करना है। आज का हमारा टॉपिक है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर है क्या? बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो आज थोड़ा टाइम मिला, छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा कि डर्मा रोलर पर एक वीडियो बना देता हूँ। डर्मा रोलर एक इक्विपमेंट है जो मैंने शुरू के अंदर सबसे थंबनेल इमेज के अंदर दिखाया है आप लोगों को। उसके अंदर कांटे लगे होते हैं। जिसने नहीं देखा है डर्मा रोलर, वो जाकर डर्मा रोलर लिखे गूगल पर, उसके सामने फोटो आएंगी। उस डर्मा रोलर के वो छोटे छोटे कांटे लगे होंगे, उसे डर्मा रोलर बोलते हैं। उसको यूज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां जहां पर आपके सर के ऊपर बाल नहीं होते हैं ना, वहां पर उस कांटे वाले एरिया उससे घुमाया जाता है और सर के ऊपर लगाया जाता है। पहले ना आप एक इमेज देख लो डर्मा रोलर की, डर्मा रोलर है क्या, उसके बाद ये वीडियो देखना। जिसने डर्मा रोलर नहीं देखा है तो आपको ज्यादा समझ आएगा कि होता क्या है। शुरू में जब आप देखोगे ना इमेज, तो आपको डर लगेगा उससे। वो डरने की चीज है भी वैसे थोड़ा बहुत, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। जो उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं ना डर्मा रोलर के ऊपर, उनका साइज होता है 0.25 से 2.5 तक, ठीक है। और हेयर पार्ट जिसके सर के ऊपर थोड़े थोड़े बाल होते हैं, उसे यूज करना चाहिए 0.5 से 1 mm तक का, ठीक है। ये भी एमएम का, ठीक है। माइक्रो पंचर, वो जो स्पाइक होते हैं ना छेद, डर्मा रोलर के ऊपर छोटे छोटे जो स्पाइक होते हैं, वो हमारे सर के अंदर छोटे छोटे छेद कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे सर के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है ना, वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है और वो बालों के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचते हैं उससे, तो हमारे बाल फिर से हेल्दी हो जाते हैं लोगों। फिर उसके बाद जब मिनोक्सिडिल टाइप ये सब दवाइयां लगाते हैं, लोशन वगैरह, जब ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो वो ज्यादा इफेक्ट करने लग जाती हैं सर के ऊपर, ठीक है ना। तो बहुत जो डॉक्टर हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन टाइप ही है ये पता लगाना कि हेयर फॉल हो किस वजह से रहा, और हेयर फॉल के कारण क्या है। कि अगर जो हेयर फॉल जो है ब्लड सप्लाई की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ये बहुत ही नामुमकिन टाइप बात हो जाती है पता लगाना। तो इसीलिए डर्मा रोलर कभी कभी किसी के ऊपर इफेक्ट करता है, किसी किसी के ऊपर नहीं करता है। 100 लोग होते हैं तो 100 के अंदर से 15 और 20, मैक्सिमम 20 लोगों के ऊपर वो करता है ये इफेक्ट, और बाकी लोगों के ऊपर नहीं करता है, ठीक है। तो मैं डर्मा रोलर के बारे में थोड़ी और बातें बता दूं। जब डर्मा रोलर का यूज किया जाता है ना, तो उसे कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, देखो। उसको क्रॉस और प्लस पैटर्न में सर के ऊपर चलाया जाना चाहिए। कैसे चलाया जाना चाहिए, एक तो पहले तो जैसे मेरे यहां पर बाल नहीं है, करेक्ट, तो पहले आप चलाओगे ऐसे ऐसे, फिर क्रॉस उसमें ऐसे ऐसे, प्लस में ऐसे ऐसे, क्रॉस में ऐसे ऐसे, इस तरीके से आप लोगों को चलाना है डर्मा रोलर सर के ऊपर, ठीक है। ब्लीडिंग, अच्छा, डर्मा रोलर के ऊपर कांटे होते हैं, छोटे छोटे स्पाइक होते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग आ सकती है। मतलब वो आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्लीडिंग लाओगे या नहीं लाओगे। तो पहली बात तो ये सुन लो कि जब हम डर्मा रोलर का यूज कर रहे हैं तो ब्लीडिंग सर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड निकलता हुआ नहीं दिखना चाहिए बूंद बूंद। अगर आपने ऐसा करा है तो आपने बहुत गलत कर दिया है, आपको डर्मा रोलर का यूज करना नहीं आता, ठीक है। और बहुत ज्यादा हल्के से भी नहीं करना चाहिए कि कुछ इफेक्ट ही नहीं पता लग रहा। ये बहुत साइंटिफिक टाइप बात हो गई भाई, एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है ये चीजें, ठीक है ना। ऐसे लेकर आ जाओ आप और खुद ही करने लग जाओ घर के अंदर, ऐसा मत करना मेरे हिसाब से। आप पहली बारी में ऐसा नहीं करना, पहली बारी में जब भी आपको जाना है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाकर डर्मा रोलर का यूज करवाओ। वो जब एक बार कर दे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रेशर से करना है आपको। तो घर पर आकर आप सेकंड टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। डर्मा रोलर की कॉस्ट कितनी होती है पहले बताओ। डर्मा रोलर से जब आप करो ना, तो रेड होना चाहिए, और बहुत ही मामूली सी ब्लीडिंग होनी चाहिए, ना के बराबर ब्लीडिंग होनी चाहिए। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर, छोटी छोटी सी रेडनेस टाइप ब्लीडिंग होनी चाहिए, बहुत ही ना के बराबर। एक बार आप डॉक्टर से करवाना तो आप लोगों को समझ आएगा कि करना क्या है, वाकई में होता क्या है, ठीक है। डर्मा रोलर की कॉस्ट जो होती है वो 350 रुपए तक का आ जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगा लेना 300 तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो
कौन कौन से टाइप आता है? एक प्लेटिनम कोटिंग वाला होता है डर्मा रोलर, वो वाला डर्मा रोलर मंगाना जो प्लेटिनम कोटिंग वाला होता है, वो लेटेस्ट है, वो थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। उसको कितनी बार यूज करना है एक डर्मा रोलर को? एक डर्मा रोलर को दो बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। कितनी बार से? दो बार से ज्यादा यूज नहीं करना है एक डर्मा रोलर को, ठीक है। और कितने दिन बाद यूज करना है? ये यूज करना है 10 दिन बाद। जैसे हमने आज करा, आज 1st तारीख है, 1 तारीख को किया, तो उसके बाद अगला जो यूज होगा वो 11 तारीख को यूज होगा। 11 तारीख के बाद कब यूज करोगे? 21 तारीख को, ठीक है। ऐसे करते करते मैक्सिमम 6 बार यूज करना है। अगर आपको 6 बार के अंदर रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाओ भाई। आप अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं ना, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को बताओ सर ऐसे ऐसे है, और उनका इलाज बताओ, उन्हें बताओ सारी बातें, जो आपने दवाइयां यूज किया, डर्मा रोलर यूज किया है, इफेक्ट आया है नहीं आया है, किस प्रेशर से करते थे। अच्छा जब करोगे ना तो थोड़ी थोड़ी जब घिर जाते ना, घिसट जाते हैं, बचपन में घिसटते थे कुछ लोग, शायद अभी भी घिसट जाते हो पता नहीं, तो यहाँ पर कोहनी के ऊपर रेड रेड निशान बन जाता था, समझ लो ना, रेड ब्लड सेल्स, अगर फ्लूड निकलता था, फ्लूड से रेड रेड हो जाता था थोड़ा थोड़ा, और पपड़ी जम जाती थी। वैसा टाइप भी होगा आपके सर के ऊपर, हल्का हल्का होगा, ज्यादा नहीं होगा, समझ गए? ये वाली बात मैंने बता दिया, 2 बार मैक्सिमम यूज करना है, 2 बार मैक्सिमम यूज करना है, ये नहीं बताया। एक डर्मा रोलर होता है ना, वो आपने खरीदा, खरीदने के बाद 1 बार यूज किया 1 तारीख को, फिर उसके बाद 11 तारीख को यूज किया, उसके बाद उसे फेंक दो। क्यों फेंक दो? क्योंकि उसके जो स्पाइक्स होते हैं ना, जो उसके कांटे होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल ले लो ब्लेड का, जब दाढ़ी काटते हो और उससे काट रहे ब्लेड, पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 10 दिन काटते रहते हो, तो धीरे धीरे खराब होता जाता है। उसके बाद भी बाल तो कटते हैं, लेकिन जब कट रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर रेड रेड हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है कटने में, वैसे ही हो जाएगा। अगर आप 2 बार से ज्यादा यूज करोगे ना, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और फिर जो आपको 350 रुपये बचा रहे हो ना, उसके चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो 2 बार मैक्सिमम यूज करना है, और यूज करने के बाद उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटॉल के अंदर वॉश करना है पहले, तो फिर से डिटॉल के अंदर ही डुबाकर रख देना है उसके स्पाइक्स को। कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। डिटॉल के अंदर थोड़ा पानी मिला लो, ऐसा नहीं पूरे डिटॉल के अंदर रखना है, थोड़ा पानी मिला लो, उसके अंदर डुबाकर रखो 30 मिनट बाद फिर से टैप वाटर से वॉश करो, नलके का जो पानी होता है उससे वॉश करो, वॉश करने के बाद सुखाओ, सुखा करके फिर से रख दो। थोड़ा 1 घंटे का प्रोसेस हो जाएगा डर्मा रोलर यूज करने के बाद। अच्छा कितनी देर के लिए सर के ऊपर घुमा सकते हैं डर्मा रोलर, इसका आइडिया ये कर सकते हैं आप, 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से ऊपर नहीं जाना और 5 मिनट से कम नहीं कर जाना। प्रेशर का पूरा मेन खेल है डर्मा रोलर में, ठीक है। प्रेशर अच्छे से देना है, ना कम देना है ना ज्यादा देना है, प्रेशर सबसे मेन चीज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक बार डॉक्टर से, फर्स्ट टाइम डॉक्टर से करवा लेना, आपके घर के आसपास कोई भी डॉक्टर हो उससे जाकर एक बार आप करवा लेना, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा डर्मा रोलर आपको चूज कैसे करना है? डर्मा रोलर आपको ज्यादा स्पाइक वाला लेना है या कम स्पाइक वाला लेना है? 2 तरीके के आते हैं, 190 स्पाइक से लेकर के 540 स्पाइक तक के आते हैं, जिन्हों के अंदर 196 स्पाइक लगे होते हैं, स्पाइक मतलब काटे, एक में लगे होते 540, और ये ऐसे बढ़ता घटता रहता है। वजन जिनके बालों की ज्यादा डेंसिटी है, जिनके बाल ऑलरेडी घने हैं, उन्हें कम स्पाइक्स वाला लेना है, उन्हें 190 वाला लेना है, जिनों की ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, जिनों की ज्यादा डेंसिटी है उन्हें कम स्पाइक वाला लेना है, और जिनों की कम डेंसिटी डेंसिटी है उसे ज्यादा स्पाइक वाला लेना है, समझ गए? मतलब ऐसे लगा लो कि जिसके बाल ज्यादा है उसे उसके थोड़े थोड़े बाल और लाने, तो उसे कम कम छेद वाला लेना है करने के लिए, और जिसके बाल कम है सर के ऊपर उसे ज्यादा बाल लाना है, तो उसे ज्यादा ज्यादा उसकी जरूरत है ब्लड फ्लो की, ब्लड सप्लाई की, तो उसे ज्यादा वाला लाना है, ठीक है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन डर्मा रोलर के बारे में, बहुत ही इजी सा है, बहुत ही अच्छा सा है, लेकिन ये कोई फाइनल वो नहीं है कि इससे बाल आएंगे ही आएंगे, बाल आ भी सकते हैं, बाल नहीं भी आ सकते हैं। और दूसरी बात, ये उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करता है जिसके बाल ही नहीं होते, जिसके थोड़े थोड़े बाल होते हैं, जिसके थोड़े रूट बचे होते हैं, उन्हों को एक्टिव करता है फिर से, जो रूट मर रहे होते हैं उन्हों को फिर से एक बार एक्टिव करने की कोशिश करता है। किसी किसी के हो जाते हैं, 80% लोगों के नहीं होते, 20% लोगों के हो जाते हैं एक्टिव। एक्टिव किन लोगों के होते हैं? जिन्हों का हेयर ट्रांसप्लांट ब्लड सप्लाई की वजह से, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट बोल रहा हूं, जिन्हों के बाल ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा था उस वजह से फॉल हो रहे थे, उन्हों के ऊपर वर्क करता है, बाकी लोगों के ऊपर नहीं करता, 80% लोगों के ऊपर, ठीक है ना। अगर कोई आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाला बंदा बता रहा है,
अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाला बंदा बता रहा है, एक और बार बोलता हूँ, अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट वाला बंदा आपको बता रहा है कि मैं डर्मा रोलर यूज किया और बाल धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए, तो वो झूठ बोल रहा है। तो वो झूठ बोल रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि जो उसके बाल आए हैं ना, वो डर्मा रोलर की वजह से नहीं आए हैं, वो उसके बाल आए हैं क्योंकि उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। समझे? हेयर ट्रांसप्लांट आपने करवा लिया तो आपके बाल आने ही आने हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट का इफेक्ट इतना धीरे धीरे होता है कि रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर आपको लगेगा ही नहीं कि इसका रिजल्ट आया, आपको लगेगा कि बेकार है बेकार है बेकार है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि समझाना मेरा काम है, समझना आप लोगों का काम है, ठीक है? आप समझो इस बात को। कम से कम 4 महीने का टाइम लगेगा विजिबल रिजल्ट दिखने के लिए, ठीक है ना? और उसके बाद 4-6 महीने वाला आपको अच्छा लगेगा, 6-8, फिर आपको थोड़ा ट्रस्ट आने लगेगा कि हाँ भाई सही लगा है। उससे पहले आप भी थोड़े टेंशन में आ जाओगे अगर जो आपने मेरी बातें नहीं सुनी होंगी या किसी और यूट्यूबर की बातें नहीं सुनी होंगी कि रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है। तो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपका रिजल्ट आ जाएगा, अच्छा है। मेरे को भी कुछ कल हो जाएंगे 10 वीक हो जाएंगे, कल मैं अपना एक और वीडियो बनाता हूँ, हेटर अपने बालों की कंडीशन दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कंडीशन दिखाओ, बहुत टाइम हो गया है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये थी डर्मा रोलर के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, बुरी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपकी मर्जी है दोस्तों। आज तो परछाई दिखी, देखी आप सब लोगों ने मेरी, देखो क्या सही मस्त दाढ़ी वाड़ी आ रही है। चलो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।